फ्रॉम्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड यू कैन सपोर्ट माय चैनल बाय जॉइनिंग मेंबरशिप। मैं मेंबर्स ओनली कंटेंट बना नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपने चैनल मेंबरशिप को प्रमोट नहीं करती थी, बट अब करूँगी। और आज की वीडियो है रिक्वेस्टेड बाय जॉय ठाकुर। इन्होंने लिखा है, सिस मैं लड़की को पसंद तो करता हूँ और ये बात उसे पता है, बट वो मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती है, बट वो कहती है कि उसे मेरे साथ लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना है, तो मैं क्या करूँ? इतनी आती है ना, अभी सुबह के 6:17 हो रहे हैं और पता नहीं सुबह से सबको कहाँ जाना है। नंबर वन, इफ़ यू अरेंट बींग ट्रीटेड दैट वे, वैल्यू योर सेल्फ इनफ टू एक्सेप्ट दैट दिस नॉट माइट बी द राइट पर्सन फॉर यू। देखो, दुनिया बहुत सच है और दुनिया ना पूरी गाड़ियों से भरी पड़ी है नहीं, दुनिया पूरी आपके और मेरे जैसे लोगों से भरी हुई है। और क्या मैं किसी के मन से चलूँगी या चलना पसंद करूँगी या जो जैसा चाहेगा या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसे ऐसे बिहेव करूँ उसके साथ, मैं करूँगी? नहीं, मेरा जैसा बिहेवियर है, मेरा जैसा मन है, मैं वैसे ही करूँगी। तो इफ़ जैसे आप चाह रहे हो उस तरह से आपको कोई नहीं ट्रीट कर रहा, तो एटलीस्ट खुद की इतनी तो वैल्यू रखो कि आप ये बात स्वीकार कर पाओ या सोच पाओ कि हो सकता है ये मेरे लिए बनी ही ना हो या हो सकता है ये मेरे लिए बना ही ना हो। बिकॉज भगवान जी ने ये सृष्टि बनाई है और जो तुम्हारी दृष्टि में नहीं दिखता वो उनको दिखता है, तो वो हमारी लाइफ से ना वैसे लोगों को हटा ही देते हैं जो आगे जाके हमारे लिए नुकसान कर सकते हैं। या इवन इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड, तो इतनी तो समझदारी तो फिर भी आपको दिखानी ही पड़ेगी कि इफ़ आपको दिखाई दे रहा है कि वो समझते हुए भी स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप स्वीकार करो कि शी इज़ नॉट द वन फॉर यू। यही इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर निकलने का क्लियर कट रास्ता है, बहुत ही बेस्ट। लेकिन अगर ये नहीं जम रहा तो मैं दूसरा बताती हूँ। नंबर टू, बेस्ट फ्रेंड से वर्स्ट फ्रेंड बन जाओ। आप जो इतने अच्छे हो इसी बात का तो वो लुत्फ़ उठा रही है और सोचती होगी कि मैंने इतने पुण्य किए हैं तभी तो मुझे इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मिला है। लुआट पुण्य करे हंसते हैं, पुण्यात्मा तो वो है जो इतना आपको यू नो इतना सहेज आ रहा है जस्ट टू बी विथ यू। बट मत सहो, क्योंकि जब यूज्ड फील होने लगता है तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती, बहुत बुरी चीज़ बनती जाती है। और जब आपको इतना सारा कुछ एकदम से याद आएगा या इकट्ठा होकर रियलाइज़ होगा तो हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आए और आप एकदम से दोस्ती तोड़ दो। तो ऐसी वाली सिचुएशन से अच्छा है कि आप अपनी दोस्ती का अंदाज़ बदल दो और चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। उसको बुरा लगेगा कि उसने आपको खो दिया, लेकिन वो कभी भी लौट के नहीं आएगी, लेकिन इस बात का रिग्रेट वो दिवाली से भी ज़्यादा मनाएगी जैसे मैं मनाती हूँ। नंबर थ्री, इफ़ शी लव समवन, मतलब रिलेशनशिप में है, तो बार बार अपना प्यार उस पर लुटा के ख़राब मत बनो उसके बीएफ की नज़रों में। जस्ट एक्सेप्ट एंड एडजस्ट, लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, एंड बाय जस्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एंड जस्ट बाय बीइंग इन हर लाइफ आप उसको एटलीस्ट हैप्पी देख पाओगे और एक साल दो साल के अकेलेपन में मूव ऑन करने वाली सिचुएशन से भी बच जाओगे। एंड यू नो आपको इस बात की खुशी भी रहेगी कि आपने समझदारी दिखाई और उसको तंग नहीं किया, उसको दुख नहीं पहुंचाया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपकी खुशी भी उसकी स्माइल से कनेक्टेड है, तो उसको स्माइल करता देख के आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप उसमें अपना बेस्ट फ्रेंड कभी भी नहीं देख पाओगे और कभी भी उसको अपनी एक अच्छी दोस्त नहीं समझ पाओगे, वो बस एक यू नो एक अधूरी ख्वाहिश सी बन के रह जाएगी जो कभी नहीं पूरी हो सकती। तो यस, इस बात का दुख तो रहेगा मन में, लेकिन इसके साथ और भी सारे दुखों का बर्डन नहीं रहेगा। यू विल बी हैप्पी दैट यू टुक राइट डिसीजन। और साथ उन्हें ही रहना चाहिए जो एक दूसरे से प्यार करते हो, उन्हें नहीं जिनमें सिर्फ एक को प्यार हो किसी से। नंबर फोर, उसको सीधा बोल दो कि अगला मैसेज जो आया ना तो आई लव यू लिखना, यदि ये नहीं लिख सकती तो फिर मैसेज मत करना। 4 साल तक चैट विंडो खोलेगी तक नहीं आपका, क्योंकि उसको पता है उसके कुछ ना रिस्पॉन्स देने पर आप इतने बेताब हो, तो अगर उसने आई लव यू बोल दिया तो आपकी बेताबी तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो कैसे संभालेगी। तो लेट हर लिव, लेट हर बी इन हर यू नो ऐसी ऐसी वाली सिचुएशन और आप निकल लो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है यार ऐसे रहने का। ऐसे रहने का मतलब ऐसे उसकी लाइफ में रहने का मतलब, समझ गए ना। नंबर फाइव, स्टॉप बींग इमोशनल और शोइंग इमोशंस टू हर, बिकॉज हमारे इमोशंस हमें इंसान ज़रूर बनाते हैं लेकिन हमें बहुत कमज़ोर भी बना देते हैं। तो अगर आपको अपनी सिचुएशन पे दया आ रही है, खुद पे दया आ रही है, और आपको लगता है कि अगर मैंने उसे ये सारा कुछ बताया तो उसे भी मुझ पे दया आएगी,
तो आप गलत हैं. When it comes to love, only love can work in your favor. No other emotion like दया, सद्भावना, भाईचारा, दोस्ती, nothing can make her fall in love with you. Because उसको आपको लेके फीलिंग्स नहीं आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को भी नहीं आएगी. अब तुम ठहरे ट्रू लवर, बोलोगे मुझे किसी और की फीलिंग्स नहीं चाहिए. सेम हाल उसका है, उसको भी नहीं चाहिए कि किसी की भी चलेगी, लेकिन आपकी नहीं चाहिए फीलिंग्स, आपसे उसको प्यार नहीं चाहिए. तो एवरी वन इज जिद्दी इन दिस वर्ल्ड ऑफ लव, समवन हैज़ टू मूव ऑन, और इस बार शायद वो समवन आप हो. नंबर 6, क्लमजी क्लासी कैसी भी गर्ल हो, अगर वो आपका इस्तेमाल अपने कंफर्ट या किसी मतलब के लिए कर रही है, तो आपको बिना कुछ सोचे बस उसको अपने फ्रेंड सर्कल से निकाल फेंकना है. आई नो अब ये इतना भी आसान नहीं होता है, इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि उस फ्रेंड सर्कल से किसी एक इंसान को बाहर करना, या क्योंकि सर्कल में जितने लोग हैं वो सब तो उसके दोस्त ही हैं ना, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम हो रही है, बाकियों को नहीं. या कुछ लोग ऐसे संकोच में भी दोस्ती नहीं तोड़ पाते हैं, बट एक तरीका है, जी हाँ, आप उनसे बातें करना बंद कर दो. चाहे आपके पास कुछ भी हो बातें शेयर करने को, बहुत मन करे उसे बताने का, लेकिन मत बताओ, बिकॉज यू वॉन्ट टू एंड दिस बॉन्ड, एंड दिस मतलब ही बॉन्ड, जहाँ पे केयर और सारी अच्छी चीज़ें, प्यार वगैरह सिर्फ आप ही के मन में है, उसके मन में नहीं है. तो यू शुड एंड दिस मतलब ही बॉन्ड बाय नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन, या बाय नॉट शोइंग इंटरेस्ट उनके बातों में. बहुत अजीब सा बोला लेकिन समझ गया हो तो, मुझे पता है. नंबर 7, अपनी मम्मी के साथ वक्त बिताओ, बिकॉज वो भी कभी आप ही की उम्र की रही होंगी, तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ. उनसे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो, आपकी मम्मी आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, या पापा से फर्स्ट टाइम मिलके आपको कैसा लगा था, आपको वो अच्छे लगे थे, या फिर आपने आपको ऐसा लगा कि अरे यार अब मैं पूरी लाइफ कैसे रहूँगी इनके साथ, ऐसे फील हुआ था. सो इस टाइप से क्यूट क्यूट क्वेश्चन से ना आपकी जो कॉन्वर्सेशन होगी उससे आपको समझ आएगा कि जिस हाई वैल्यू वुमेन को आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो वो आप ही के घर में है. उन्हें आप जितना समझोगे उतने ही आपके अंदर दूसरी गर्ल्स को समझने की क्षमता डेवलप होगी, और प्लस आपकी मम्मी को आपका खूब सारा टाइम भी मिलेगा. कोई हमें यूज़ करता है तो बहुत रोना आता है, बहुत गुस्सा आता है, और एकदम ऐसे रिवेंज लेने का मन करता है. लेकिन सबसे बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो यही है कि खुद को इस फीलिंग से, इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो. और उसे पाने की नाकाम कोशिश तो बहुत कर ली, अब कुछ काम की भी कोशिश कर लो. कबाड़ी वाला क्यों आ गया यहाँ पे यार, जब भी मैं अच्छी बातें करती हूँ तभी ये सारे आ जाते हैं. तो एनीवे, तो अभी कुछ काम की कोशिश कर लो जो आपके काम आए और जो आपको खुशी दे. अब मैं कमेंट शूट आउट करती हूँ. अमित गुप्ता का कमेंट है, ऑल थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल इन दिस वीडियो एंड द बेस्ट पार्ट इज ताला चाबी. ओ वो मेरा मिस्टेक था, मैं बाल के ऊपर बैठ गई हूँ. पानी नहीं पिया मैंने 3 घंटे से. तो क्या था, कहाँ थी मैं, ताला चाबी, यस. मेरी अच्छी सी लाइन थी ना, मेरी मिस्टेक, सबको पसंद आई. थैंक यू. संजीत मंडल, वॉट शुड आई से अबाउट यू, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, यू रियली रियली अमेजिंग, प्लीज कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू. थैंक यू संजीत मंडल, थैंक यू सो मच. एंड आई डोंट नो हाउ यू गाइस बियर मी, मैं इतनी पागल हो जाती हूँ जब बहुत शोर होता है और मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसे ही लगता है पूरी दुनिया अभी क्यों जाग गई है. हालांकि जागने का टाइम भी है सबका, बट थैंक यू, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, और बहुत सारा प्यार करते रहो. बाय बाय. जो आपकी दृष्टि में नहीं दिखता है, गाड़ियाँ.